नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय वर्मा, कंसल्टेंट फिजिशियन और प्रोफेसर मेडिसिन शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भिलाई। मैं विगत 20 सालों से मेडिसिन प्रैक्टिस कर रहा हूं। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर एनीमिया, या फिर जिसको हम नॉर्मल भाषा में खून की कमी जानते हैं, के बारे में कुछ जानकारियाँ लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। खून की कमी एक बहुत ही आम बीमारी बोल सकते हैं, या फिर हमारा प्रचलित है कि घर में यदि हम टेस्ट कराएं तो शायद हमको घर में कई लोगों का खून जो है या हीमोग्लोबिन हमको कम मिलेगा। अब खून कम होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें कि मुख्यतः न्यूट्रिशन में कमी, क्योंकि यह अमूमन पाया गया है कि हमारे खान पान में आयरन की मात्रा जितनी होनी चाहिए, उचित मात्रा जितनी होनी चाहिए, वह नहीं होती है। उससे जो है हमारे शरीर में खून बनाने की क्षमता पर असर पड़ता है, एवं हम थोड़ा एनीमिया के शिकार हो जाते हैं। एनीमिया का ट्रीटमेंट करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यदि हमने एनीमिया का ट्रीटमेंट नहीं किया तो हमारे रूटीन लाइफस्टाइल के ऊपर या हमारे रूटीन वर्क के ऊपर बहुत इसका गहरा असर पड़ सकता है, क्योंकि इससे हमें कामकाज करने में थकान जल्दी होना, लैक ऑफ कंसंट्रेशन या थकान जल्दी हो जाना, चिड़चिड़ापन होना, यह सब बहुत सारी चीज़ें जो है हमको एनीमिया से हो सकती हैं। या फिर यदि कोई मरीज गंभीर बीमारियों से ग्रसित है, जैसे कि यदि उसे कोई गंभीर हार्ट की बीमारी है, और यदि ऐसे मरीज को एनीमिया हो जाता है तो वह उसकी हार्ट की बीमारी की कंडीशन को और एग्रेवेट या बढ़ा सकता है। उसी तरीके से यदि छोटे बच्चों में एनीमिया पाया गया और हमने उसका इलाज नहीं किया, तो वह बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट या उसके मानसिक विकास के ऊपर बहुत गहरा असर छोड़ सकता है, जो कि उसके आगे की लाइफ के लिए बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। एनीमिया का डायग्नोसिस बहुत ही इजी तरीके से हम ब्लड टेस्ट के द्वारा पता कर सकते हैं, और एनीमिया के विभिन्न प्रकारों के बारे में भी हम ब्लड टेस्ट के द्वारा पता कर सकते हैं। डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशंस जो हैं एनीमिया से संबंधित, वो आपको आपका प्रशिक्षित डॉक्टर ही आपको सलाह दे पाएगा। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ जानकारियाँ मैं एनीमिया के बारे में दे पाया हूँगा। यदि आपको उसके बाद कुछ क्वेरीज हैं या कुछ और जानकारी चाहिए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।